Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे कि कुछ टाइम पहले जो हमारे घर से कार्स चोरी हुई थी, वो कार्स किसने चुराई थी और क्यों चुराई थी. तो यार देखो, ये सारा का सारा मास्टरमाइंड प्लान था हमारे दोस्त अंडरवाटर माफिया का. मतलब कि यार वो कार उसने चुराई और ले जाकर अपने दोस्त को दे दी ताकि वो उस कार के थ्रू दुबई शो में $1 बिलियन जीत जाए और उसके बाद वो दोनों लोग आधा आधा पैसा एक दूसरे में बांट के अमीर बन जाए. बट अनफॉर्चुनेटली उस शो में हम लोग भी चले गए और हमें वो कार दिख गई. और जैसे ही वो $1 बिलियन जीता तो हमने उसको खूब ज़्यादा पीटा और उसके $1 बिलियन छीन लिए और चुपचाप से लॉस सैंटोस आ गए दुबई से भाग के. बट उसके अगले दिन ही भाई साहब अंडरवाटर माफिया ने बैनी के गैराज पे उसे जान से मारने के लिए अटैक कर दिया. वो तो अच्छी बात है कि सही टाइम पर बैनी ने हमें बता दिया और हम लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचे हमने उसके गार्ड्स को मारा. बट तभी अंडरवाटर माफिया पीछे से आया और उसने हमारे सर पे बेसबॉल बैट मारा और हमें गिरा के वहाँ से भाग गया. बट मैं भी तुरंत उठा और मैंने उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया और आधे रास्ते में जाकर मैंने उसके पैर पे गोली मारी. मतलब कि यार मुझे शूट करना पड़ा, अदरवाइज वो भाग जाता. और मैंने उसके पैर पे गोली इसलिए मारी, इसे जान से इसलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे पता करना था कि आखिरकार अंडरवाटर माफिया काम किसके लिए कर रहा है. मतलब कि यार वो अपना इतना अच्छा दोस्त हुआ करता था तो उसने हमारी गाड़ी क्यों चुराई, यही बात पता करने के लिए मैंने उसे जान से नहीं मारा. और मुझे पता था ये इतनी ज़्यादा ईजिली बताने नहीं वाला. बट उतनी देर में डगन बॉस का फ़ोन आया और उसने हमें बताया कि अगर तुमने अंडरवाटर माफिया को नहीं छोड़ा तो हम लोग ट्रैवर को मार देंगे. मतलब कि जितनी देर में मैंने उसे गोली मार के मैं उसे अपने घर तक नहीं लाया, उतनी देर में डगन बोस यहाँ पर आके सबको मार के ट्रैवर को उठा के ले गया. भाई साहब तब से फ्रैंकलिन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है, अब तो फ्रैंकलिन भी डगन बोस से बदला लेना चाहता है उसे जान से मार के. फिलहाल अभी ये खाना मंगाया था, इतना ज़्यादा गुस्से में है कि ये खाना भी नहीं खा रहा है. यार अभी ना हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं. डगन बॉस ने हमें सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया था कि अगर हम लोग अंडरवाटर माफिया को चुपचाप से कायो पेरिको आइलैंड छोड़ने नहीं आएंगे तो वो ट्रैवर को मार डालेगा. बट क्या गारंटी है कि अगर हम लोग अंडरवाटर माफिया को वहाँ पर छोड़ देते हैं तो वो ट्रैवर को छोड़ देगा. फिलहाल हमने अंडरवाटर माफिया को ना इस कमरे में नीचे बंद कर रखा है और उसके हाथ बांध रखे हैं पीछे की तरफ में. तब से ये भाई बिल्कुल पागल हो रखा है. मतलब कि ये डगन बॉस के लिए काम कर रहा है यार. फिलहाल कोई नहीं, ये वाला गेट एकदम प्रॉपर लॉक रहेगा ऑटोमेटिकली. ये अपनी परमिशन से तो बाहर नहीं निकल पाएगा, वैसे भी उसके हाथ नहीं खुले, भाग के जाएगा कहाँ पे. फ्रैंकलिन भी ऊपर बैठा हुआ है, मुंह नहीं तोड़ देगा उसका. बट हाँ यार 24 घंटे के टाइम में से बहुत कम टाइम बचा है अपने पास. आज रात तक अगर हमने अंडरवाटर माफिया को कायो पेरिको आइलैंड तक नहीं पहुँचाया तो वो लोग ट्रैवर को मार डालेंगे. बट यार हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, हमें ट्रैवर को बचाना ही होगा कुछ भी करके. वैसे गाइस यार एक सेकेंड, अगर लेस्टर ठीक होता ना तो यार वो पक्का हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देता. बट ये जो डॉक्टर है ना, पिछले एक महीने से हमें यही बोले जा रहे हैं कि बस एक वीक और लगेगा ये ठीक हो जाएगा. भाई कहीं ये डॉक्टर नकली तो नहीं है या फिर ये जानबूझ के लेस्टर को ठीक नहीं कर रहा है. मुझे इससे बात करनी होगी पहले अभी के अभी, अदरवाइज ये लेस्टर को ठीक नहीं करेगा मुझे लग रहा है. ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है और ये अभी भी वही कह रहा है कि लेस्टर को पूरा ठीक होने में एटलीस्ट 1 से 2 वीक तो लगेंगे. पहले आधा तो ठीक कर दे फिर पूरे की बात करियो. मतलब कि अभी पता है सीन क्या है, लेस्टर एकदम ठीक हो चुका है बट जो उसकी मेमोरी है ना वो धीरे धीरे वापस आ रही है. पता नहीं यार उन लोगों ने इसके साथ क्या ही करा था. बट हाँ ये कह रहा है कि एक ऐसा इंजेक्शन है जो अगर लेस्टर के लगा दिया जाए तो इसकी जो मेमोरी है वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे या फिर 1 दिन के अंदर ही वापस आ जाएगी और ये पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा. बट प्रॉब्लम ये है कि वो इंजेक्शन को यहाँ पे लेके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा महंगा है, हम लोग उसे खरीद नहीं पाएंगे. भाई अपने पास अभी भी वो $1 बिलियन पड़े हुए हैं जो हम दुबई से लेके आए थे. प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि वो जो इंजेक्शन है वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ होता है और वैसे कहीं पर भी नॉर्मली जगह पर नहीं मिलता, ना ही बनाया जाता है. वो सिर्फ और सिर्फ बनता है रिसर्च सेंटर में और सैन एंड्रियास में रिसर्च सेंटर है, ह्यूमेन लैब रिसर्च सेंटर. बट यार वहाँ पे जाके इंजेक्शन चुरा के लाना तो दूर की बात है, वहाँ पे जाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है. मतलब कि नॉर्मल लोगों को तो उस एरिया के आसपास भी नहीं घूमने दिया जाता है, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं.
बट यार लेस्टर हमारा बेस्ट फ्रेंड है और हमें उसके लिए ये काम कुछ भी करके करना ही होगा। और मेरे दिमाग में ना अभी एक छोटा सा आइडिया आ रहा है, मतलब कि वो जो रिसर्च सेंटर है ना, उस रिसर्च सेंटर की एक टनल है जो टनल कनेक्ट होती है उसके सी से, मतलब कि उसके पास में जो समुद्र है वो टनल उसमें से कनेक्ट होती है। तो हम लोग क्यों ना सीधे रास्ते जाने के बजाय उस जगह पे उस टनल के थ्रू एंट्री मारते हैं। बट हाँ, वो जो टनल है वो काफ़ी ज़्यादा डीप वाटर में जाके है और डीप वाटर में हमें जाने के लिए चाहिए होगी एक सबमरीन। बट सबमरीन कहाँ से मिलेगी मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक जगह थी वहाँ पर सबमरीन शायद से मुझे मिल सकती है, मतलब कि एक ऐसी बीच था उसके पास में किसी बंदे की सबमरीन खड़े रहती थी। जल्दी से भी हम लोग वहाँ पे चलकर देखते हैं, अगर वो सबमरीन मुझे मिल जाती है तो वो सबमरीन मैं वहाँ से चुरा लूँगा। बट हाँ यार, जाने से पहले ना एक बार ही अपनी गाड़ी वॉश करवा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। बैनी ने ये जो पेंट करा था ना इस पर ताकि ये थोड़ी सी अमेजिंग लुक की हो जाए, वो पेंट भी अभी हमें इसमें से निकलवाना होगा। तो सबसे पहले कार वॉश करवाते हैं। वैसे हाँ, मुझे अच्छे से मालूम है कि आज रात होने से पहले हमें कुछ भी करके ट्रैवर को डगन बॉस से बचाना ही होगा, वरना वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। बट क्या गारंटी है कि अगर हम लोग अंडरवाटर माफिया को उनके हवाले कर दें सही सलामत और उसके बाद वो लोग ट्रैवर को छोड़ दें, वो भी बिल्कुल ठीक, क्या पता वो लोग उल्टा हमें ही किडनैप कर लें। तो इसलिए हमें जो भी काम करना है सही सलामत सोच समझ के करना होगा। और कार वॉश में कोई ज़्यादा टाइम जाता नहीं है, इसलिए मैं कार वॉश करवाने के लिए आ चुका हूँ, क्योंकि ना बहुत दिनों से इस कार की कोई सर्विस नहीं हुई है और अगर ये बीच रास्ते में बंद पड़ेगी ना तो फिर ज़्यादा टाइम चले जाएगा। तो बेटर यही रहेगा कि ये जो कार है अपनी वो जल्दी से वॉश हो जाए। तो यहाँ पर इस पर पानी डल चुका है। बाकी यार अभी मेरे दिमाग में ना यही चल रहा है कि आखिरकार हमें सबमरीन मिलेगी कहाँ से, मतलब कि यार सबमरीन ढूंढना ना बहुत ज़्यादा अलग ही काम है, सबमरीन क्योंकि किसी के पास होती नहीं है। फिलहाल अपनी जो कार है वो वॉश हो चुकी है एकदम प्रॉपर, बस एक ही जगह है वो जहाँ पे मुझे मिल सकती है, तो मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचना होगा और देख कर आने कि वहाँ पर वो सबमरीन है या फिर नहीं। बट ये देखो, मैं कह रहा था ना इस कार की सर्विस सही से हुई नहीं है, वॉश हो गई फिर भी थोड़ी बहुत गंदी लगी रही है। बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, कार को एकदम नया जैसा करवा देंगे बैनी से। फिलहाल अभी अच्छी खासी चमक रही है, जल्दी से इसे लेकर चलते हैं उस लोकेशन पे और देखते हैं कि वहाँ पे सबमरीन हमें मिलती है या फिर नहीं। ऑलराइट गाइस, तो भी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके उस जगह पे पहुँचने वाला हूँ जहाँ से मुझे शायद एक सबमरीन मिल सकती है। हाँ, तो मुझे इस वाले घर से अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ना है और यहाँ से नीचे लेकर जाना है। मैं इस जगह पे ना बहुत टाइम पहले आया था, तब मुझे यहाँ पर एक सबमरीन दिखी थी बट तब उसका कोई यूज़ नहीं था यार। बट हाँ, अगर आज भी हमें वो सबमरीन मिल जाए तो कितना ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा ना, हम लोग फिर इंजेक्शन ला सकते हैं और लेस्टर को बचा सकते हैं। तो भाई मुझे कुछ भी करके एक सबमरीन का जुगाड़ तो यार आज के आज ही करना होगा। फिलहाल अभी ना हम लोग फटाफट से भाग के चलते हैं नीचे और देख कर आते हैं कि यहाँ पे कोई सबमरीन है या फिर नहीं। वैसे सामने की तरफ में ना एक रेड कलर की बोट खड़ी हुई है जो कि मुझे नजर आ रही है, बट यहाँ पर कोई भी सबमरीन नहीं है, क्या पता सबमरीन अंडर वाटर पार्क्ड हो। ओ भाई साहब, सीढ़ियों से हट जाओ, एक सेकंड की ऐसे की तैसे इसके ऊपर से कूद के चले जाऊंगा मैं। हाँ वैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा लोग भी नहीं है, 3-4 लोग हैं और अगर मैं सबमरीन चुरा के भागता हूँ तो शायद मेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करने वाला। बट वेट, सामने की तरफ में ना 2 लोग खड़े हुए हैं, एक तो अपना फिशिंग करने में मस्त है, दूसरा बंदा ऐसे ही बैठा हुआ है। मुझसे कह रहे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मेरे को बस जल्दी से पानी में डुबकी मारनी है। भाई अगर सबमरीन मिल गई ना तो अपना एकदम मस्त काम हो जाएगा। फटाफट से चलते हैं पानी में। भाई पानी में तो बिल्कुल जगह ही नहीं है यहाँ पर, भाई यहाँ पर कोई भी सबमरीन नहीं है। मैं कुछ टाइम पहले आया था, मुझे यहीं पर सबमरीन मिली थी बट आज नहीं है। सही में यार अपनी किस्मत ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी मेरे को एक जगह हो रहा है, वेट, एक जगह हो रहा है वहाँ पर सबमरीन पक्का मुझे मिल सकती है, यहाँ नहीं मिली तो यार वो जगह मुझे पहले क्यों नहीं आता ही। मीन्स जो अपना लॉस सैंटोस का टर्मिनल है ना, वहाँ पर इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा चलता रहता है, तो हो सकता है कि वहाँ पर से हमें कोई ना कोई सबमरीन मिल जाए। वैसे मैं 99% श्योर हूँ कि वहाँ से मुझे पक्का कोई ना कोई सबमरीन मिल जाएगा। मुझे ना एक बड़ा वाला सबमरीन नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा सबमरीन चाहिए जिसमें 4 से 5 लोग आकर बैठ जाएं। लेट्स गो यार, फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं सीधा लॉस सैंटोस टर्मिनल पे और देख कर आते हैं कि वहां पर कोई सबमरीन है या फिर नहीं। अदरवाइज हमें नॉर्मल पुलिस का और मिलिट्री का सामना करके ह्यूमेन लैब में जाना होगा और लेस्टर को ठीक करने के लिए इंजेक्शन लाना होगा, क्योंकि सिंपल सा फंडा है, एक बार लेस्टर ठीक हो गया
तो फिर ढक्कन बॉस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचने वाला हूँ सीधा जेट सैम टर्मिनल पे, और ये जो जगह है ना बहुत ज्यादा बड़ी है, इसीलिए मुझे चारों तरफ घूम के अच्छे से ढूंढना होगा कि आखिरकार यहाँ पर कोई सबमरीन है या फिर नहीं। फिलहाल अभी ना फटाफट से हम लोग टर्मिनल के अंदर एंट्री मारते हैं। वैसे एंट्री यहाँ से भी है, बट ये वाला जो रास्ता है ना, ये सीधा हमें कंटेनर्स और सीधा शिप वेयर हाउस के पास ले जाएगा, जहाँ पे सबमरीन के होने के चांसेस हैं। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारी लेफ्ट साइड में ट्रेन खड़ी है, बट मेरे हिसाब से कोई सबमरीन ट्रेन के थ्रू तो नहीं आएगी। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर एक सबमरीन किसी और कंट्री से आती है, फिर कहीं से ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो शिप के थ्रू ही आएगी। तो यहाँ पर जितनी भी शिप खड़ी है ना, मुझे उसमें जा के देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी शिप ना लेफ्ट साइड में है, तो फटाफट से अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ से घुमाते हैं और चलकर देखते हैं वहाँ पर कोई सबमरीन है या फिर नहीं। और राइट साइड में भी एक आध शिप खड़ी हुई है, फिर हम लोग वहाँ पर चलेंगे। लेट्स गो। फटाफट से अपनी गाड़ी मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, इसको हम लोग यहाँ पर रोकते हैं और जल्दी से भी ऊपर चलकर देखते हैं कि यहाँ पर मुझे कोई सबमरीन मिलती है या फिर नहीं। वैसे बैक साइड में ना अभी अपनी गाड़ी हल्की सी ठुकी थी, जिस वजह से हमारे हाथ में थोड़ी सी चोट आ गई है, बट हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर तो मुझे लगता नहीं है कोई सबमरीन होगी। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं ऑलमोस्ट सारी की सारी स्टेयर्स चढ़ता हुआ इस शिप के टॉप पे पहुंचने वाला हूँ, ताकि मुझे एक ही बार में इस पूरे के पूरे टर्मिनल का व्यू मिल पाए और मैं पता कर पाऊँ कि आखिरकार यहाँ पे कोई सबमरीन खड़ी है या फिर नहीं। फिलहाल ये जो शिप है ना, इसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सबमरीन लोड होकर आई है, बट हाँ मेरे पास अपनी स्नाइपर है जिसके अंदर बहुत अच्छा स्कोप लगा हुआ है, जिसके थ्रू मैं पूरे के पूरे टर्मिनल की दूर से दूर जगह को जूम करके चेक कर सकता हूँ। सामने एक वेयर हाउस है, वो भी मुझे खाली लग रहा है। बहुत सारे कंटेनर हैं, बट सबमरीन थोड़ी बड़ी होती है, तो सीधी सी बात है किसी भी कंटेनर के अंदर वो आएगी नहीं, तो वहाँ पर देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। थोड़ा सा राइट साइड में देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ ट्रेलर खड़े हुए हैं, बट इसके ऊपर भी कुछ नहीं है। आगे की तरफ में और भी रास्ते जा रहे हैं, बट वहाँ पर तो यार बाहर का एग्जिट वाला रास्ता जहाँ से लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सबमरीन वहाँ पर होगा। मुझे थोड़ा सा ना लेफ्ट साइड में जो शिप है वहाँ पर एक बार चेक करना चाहिए, बट मुझे यहाँ पर गाइस एक सबमरीन है, बट ये सबमरीन मैं चुराऊंगा कैसे? मुझे लग रहा था सबमरीन कहीं शिप पे लोड हो रखी होगी या फिर कहीं रखी होगी, बट ये सबमरीन को तो लटका रखा है स्क्रीन पे। बट स्क्रीन का कंट्रोल होगा क्रेन, मतलब शिप के अंदर जो क्रेन है वहाँ पे, तो मुझे पहले वहाँ पे पहुँचना होगा। बट ये काम ना अपने लिए थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, मुझे अपनी गन्स वंस निकालनी नहीं चाहिए अभी। अपने हाथ में कोई भी अगर वेपन लेके मैं यहाँ घूमूंगा ना, तो बंदों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा कि मैं यहाँ पर कोई चोरी वोरी करने आया हूँ या फिर किसी को मारने आया हूँ। चुपचाप अभी हम लोग नीचे चलते हैं और फटाफट से ना उस शिप तक पहुँचते हैं, वहाँ पर चलकर देखते हैं आखिर हमें क्या करना है, वो बटन कहाँ पर है जिसके थ्रू हम लोग सबमरीन को जमीन पे ला के रखेंगे या फिर पानी में गिराएंगे। ओके गाइस, तो भी फिलहाल जैसे जैसे मैं फुल स्पीड में भागता हुआ ऊपर चढ़ा था ना, उतनी स्पीड में ही भागता भागता मैं यहाँ पे वापस नीचे आ चुका हूँ। अरे जंप मारो ना यार, अपने पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट से हम लोग पहुँचते हैं सबमरीन के पास उसे चुराने के लिए। अगर ये सबमरीन हमें मिल गई तो हम लोग लेस्टर की जान आज ही क्या अभी के अभी जाके बचा सकते हैं। फिलहाल ये काम मुझे चुपचाप करना होगा, अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करते हैं। मेरे को ना अभी ऊपर किसी की तो बोलने की आवाज़ आई है, चुपचाप से मुझे ऊपर जाना होगा, शायद ऊपर कोई तो फोन पे बात कर रहा है। अगर मैं उसे चुपचाप से मार के सॉरी मैंने कुछ नहीं करा, चुपचाप वो तेरी उस पे गन है शायद, चुपचाप लेटे रहे अंकल। हेलो, अबे समझ नहीं आ रही, लेटे रहे चुपचाप, फिर उठने की कोशिश कर रहा है यार, पंगे मत ले। ऑलराइट, हम लोग बिल्कुल सेफ है, अभी जल्दी से मुझे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। वो रही सबमरीन ऊपर लटकी हुई है यार, मुझे तो ये जो क्रेन है वो चलानी भी नहीं आती। अगर मैं उसे ऊपर से नीचे गिरा दूँ तो क्या अपना काम हो जाएगा? नीचे मुझे देखना पड़ेगा, अगर मैं उसको वहाँ से रिलीज करूँगा। ओ वेट, पानी में जाके गिरेगी, मेरे हिसाब से ख़राब नहीं होगी यार इतने में। यहाँ पर एक बटन है, ये प्रेस ई टू रिलीज द सब। ओ वेट, यही बटन है सबमरीन को नीचे लाने का। ओ नाइस, सबमरीन गाइस पानी में आ चुकी है, अभी मुझे भी पानी में जाना होगा, बट पानी में जाने का रास्ता मुझे कहीं नहीं नजर। अरे रास्ता बाढ़ में जाए, सीधा पानी में डायरेक्ट जंप मारते हैं और फटाफट से हम लोग सबमरीन के अंदर बैठते हैं। बट इसकी एंट्रेंस जो है ना वो ऊपर से है, तो मुझे पहले इसके ऊपर चढ़ना होगा, देन मैं इसके अंदर बैठ पाऊँगा। लेट्स गो,
एक सबमरीन हमें चाहिए थी, वो हमें मिल चुकी है और इतनी ज्यादा शांति से चुराई है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। बट हाँ, मैंने एक बंदे को पीछे मारा था, मेरी गाड़ी भी वहां पर खड़ी है और पीछे पीछे शायद से कुछ बंदों को मेरे ऊपर शक हुआ है। फिट पता नहीं यार, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अगर मैं अपनी सबमरीन को थोड़ा सा पानी के और अंदर ले जाऊँगा ना, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस, अगर मैं इस सबमरीन को अंडर वाटर कुछ इस तरीके से आगे तक लेकर जाऊँगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी देख पाएगा या फिर ढूंढ पाएगा और किसी को भी कुछ मालूम पड़ेगा कि आखिर सबमरीन यहाँ से गई कहाँ, राइट लेफ्ट आगे पीछे किधर गई, किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। बट हाँ, नीचे कुछ पत्थर है जिस पे सबमरीन उड़ सकती है, इसलिए इतना भी नीचे नहीं जाना, थोड़ा ऊपर ही रखते हैं। बाकी आप लोग देखो यार, क्या ही मस्त व्यू आ रहा है सबमरीन में बैठ के। यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ गिरी हुई हैं, खैर लकड़ियों को छोड़ो और यहाँ पर आप लोग FPP व्यू इंजॉय करो गंदे पानी के अंदर का। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी सबमरीन लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा इस टर्मिनल की दूसरी साइड पर। और मैंने ना इस टर्मिनल के एक वर्कर को फोन करके उसे हायर कर लिया है। मैंने उसे बोला है कि अगर तू मेरे लिए काम करेगा तो मैं तेरे को बहुत सारे पैसे दूंगा, तुझे बस कुछ नहीं करना है, एक ट्रक और एक ट्रेलर लाके खड़ा करना है, फिर यहाँ पर ये जो क्रेन है ना, इस क्रेन के थ्रू मेरी सबमरीन को उठा के उस ट्रक के ऊपर रखना है, बस उसका उतना सा काम है। और उस काम के हम लोग उसे थोड़े बहुत पैसे दे देंगे यार, क्योंकि अभी हमें लेस्टर को बचाना है और उसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी ये सबमरीन लेकर मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं और वो जो अपना दोस्त है, मीन्स जिसको हमने हायर करा है उस वर्कर को, वो भी शायद से यहाँ पर पहुँच गया होगा। यही उसकी क्रेन का वो लेट्स गो, वो ऊपर ही था और उसने हमारी सबमरीन देख ली। बस अब ये सबमरीन उठ जाए और ये इसे उठा के यहाँ पर रख दे, अपना ऑलमोस्ट 85% काम डन हो चुका है। अब बस कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हमारे पीछे पड़ जाए कि तुम सबमरीन कैसे चुरा कर ले जा रहे हो। ओह वेट, वो ट्रक भी लेकर आया हुआ है, बस इसको उस ट्रक के ऊपर रखने और अपना काम हो जाएगा। बट हाँ, अगर इसे छुपा दिया जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैंने उसे बोला तो था कि हम लोग इस सबमरीन को चुरा रहे हैं और हमें इसे छुपा के ले जाना है, बट अगर ये उसे कवर कर देगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेट्स गो, उसने इसे कवर भी कर दिया है। अभी फटाफट हमें यहाँ से निकलना होगा, लेट्स गो। अपना ट्रक एकदम सही रेडी है, बट इस कंस्ट्रक्शन वर्कर को मेरे को ना समझाना पड़ेगा कि किसी को बताए ना, इसको पैसे वैसे दे देते हैं। इसको मार दूँ क्या? नहीं यार, मारना बेकार रहेगा, एक तो उसने हमारे लिए काम भी करा है। ठीक है, लेट्स गो। हाँ ठीक है। अभी मेरे को उस वेयर हाउस में जाना है, कह रहा है यहाँ पर अगर तुम्हें अपनी सबमरीन को छुपाना है तो वेयर हाउस है, बट छुपाना क्यों है? हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट से ना फ्रैंकलिन को बुलाते हैं। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मेरी इससे पूरी बात हो चुकी है और मैंने ना इसको इस काम के पूरे $50,000 दे दिए हैं। मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा हैं, बट हाँ इसका ये जो ट्रक है ना, हम लोग इसे वापस नहीं करने वाले, तो थोड़े पैसे उसके भी हो गए और बाकी जो पैसे हमने इसको दिए हैं वो इसका मुंह बंद रखने के लिए दिए हैं, ताकि किसी को बताए ना कि हमने सबमरीन चुराई थी। उसके बाद हम लोग इस सबमरीन को चुरा के कहाँ पर ले गए ये भी मुझे इसे नहीं बताना है, इसलिए मैं इसको ना थोड़ा सा गलत रास्ते पे लेकर आऊँ। पहले अपना ट्रक हम लोग इधर ले जाके रोकते हैं, फिर मैं इसको यहाँ से ना भगा दूंगा, ठीक है? फिर हम लोग अपने ट्रक को लेकर जाएंगे फ्रैंकलिन के पास, या फिर फ्रैंकलिन को कहीं पर बुलाएंगे और फिर सीधा जाएंगे उस जगह पे। लेट्स गो, फटाफट ट्रक से बाहर निकलते हैं। चल भाई, तू भी बाहर आ जाओ और निकल यहाँ से। पैसे वैसे पूरे मिल गए हैं, बस अपना मुंह बंद रखे हो, ठीक है ना? ओके, निकल यहाँ से जल्दी से जल्दी। अभी फटाफट से भग लिया है, वापिस आई हूँ मैं, मेरे पास गन भी है, बजा दूंगा एक आज। ओके, तो अपने पास गाइस एक मस्त सबमरीन का जुगाड़ हो चुका है। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है और मैं ना उसको यहीं पे बुला रहा था ताकि हम दोनों लोग इस सबमरीन में बैठकर सीधा यहीं से चलते हैं ह्यूमेन लैब ब्लास्टर के लिए, वो इंजेक्शन चुराने के लिए। बट फ्रैंकलिन कह रहा है कि अगर वो हमारे साथ चलेगा तो घर पे कौन रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे किसी ना किसी एक बंदे का घर पे रहना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर पे अंडरवाटर माफिया है। हो सकता है कि हमारे जाने के बाद वो वहाँ से कुछ ना कुछ करके भाग जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लेस्टर के ऊपर कोई और अटैक कर दे, तो इसीलिए उसकी सेफ्टी के लिए किसी एक बंदे का घर पे रहना ज़रूरी है। और अभी हमारे साथ कोई है नहीं, ट्रेवर को भी किडनैप करके ले गए हैं, हम लोग इस काम में लगे हुए हैं, तो फ्रैंकलिन का घर पे रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उसने ना अपने कोई दो फ्रेंड को हमारे साथ आने के लिए बोल दिया है और वो दोनों लोग आगे रास्ते पे हमारा वेट कर रहे हैं और उनके पास हैं कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, स्कूबा डाइविंग सूट, क्योंकि देखो सबमरीन से निकल के जब हम उस टनल में जाएंगे तो सीधी सी बात है टनल में भी पानी भरा होगा, तो वहाँ पर अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए ही होंगे और नॉर्मल कपड़ों में हम लोग फास्ट स्विम नहीं कर सकते, इसीलिए स्कूबा डाइविंग सूट। बाकी मैंने एक आयरन मेल्ट करने वाली मशीन भी मंगवा दी है ताकि
टनल के अंदर अगर ऐसा कोई भी बैरियर वगैरह हो तो हम लोग उसे जला के निकाल दे, बट पता नहीं पानी के अंदर वो काम करेगी या फिर नहीं, फिलहाल आगे की बाद में देखी जाएगी। अभी इस ट्रक को हम लोग जल्दी से लेकर पहुंचते हैं उस जगह पे जहाँ पे फ्रैंकलिन ने अपने फ्रेंड्स को भेजा हुआ है हमारे साथ चलने के लिए। लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपना ट्रक लेकर सीधा उस लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ जहाँ पे फ्रैंकलिन के वो दो फ्रेंड मुझे मिलने वाले हैं। तो यहाँ से ह्यूमेन लैब भी बहुत ज़्यादा पास है, अगर मैं थोड़ा बहुत आगे जाऊँगा तो मैं सीधा वहीं पर पहुँच जाऊँगा, बट पहले इस वाले रेस्टोरेंट में चल के अपना ट्रक रोकते हैं और देखते हैं कि आखिरकार वो दोनों लोग यहाँ पर पहुँचे या फिर नहीं। वैसे अगर फ्रैंकलिन आ जाता ना तो इस हाइस्ट में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती, बट अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दोनों लोग हमारा अच्छे से साथ देंगे तो ये हाइस्ट मीन्स वो जो इंजेक्शन है हम लोग बहुत ज़्यादा ईजिली वहाँ से चुरा सकते हैं। फिलहाल तो ये दोनों लोग यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, फटाफट से चलकर इनसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे लिए जो सामान हमने कहा था वो लाए या फिर नहीं। ओके गाइस डन। तो भी मेरी इन दोनों लोग से बात हो चुकी है और वो जो दूसरा वाला बंदा है ना वो तो ह्यूमेन लैब जाने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। फिलहाल ये लोग जो मेरे लिए सूट लेकर आए थे ना ताकि मैं अच्छे से अंडर वाटर स्विम कर पाऊँ, वो स्कूबा डाइविंग सूट मैंने पहन लिया है। बस पानी में जाते समय मेरे को इसके शूज चेंज करने होंगे, उससे क्या है कि मैं और ज्यादा फास्ट स्विम कर पाऊंगा। फिलहाल हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो इन्होंने ट्रक में रखवा दिया है। जल्दी से अपने ट्रक को यहाँ से बाहर निकालते हैं, हमें बस यहाँ से एकदम सीधा सीधा जाना है ह्यूमेन लैब के लिए और टाइम आ चुका है वो इंजेक्शन चुरा के लेस्टर को बचाने का। बस ये जो हाइस्ट है ना एकदम बढ़िया तरीके से हो जाए। बाकी यार ये ट्रक इतना ज़्यादा बड़ा है ना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इसीलिए अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि इसे मोड़ना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सा हो जाता है कभी कभी। तो लेट्स गो। फिलहाल अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा आसानी से इसको मोड़ लिया है, बस ये डिटैच ना हो जाए। वेट, थोड़ा सा और पीछे करते हैं। वेट, ये कहीं पर ना अटक रहा है गाइस। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने अपने बड़े से ट्रक को यहाँ से बाहर निकाल लिया है। वैसे इस ट्रक को चलाना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्पेशली बैक ले जाना, क्योंकि जब हम लोग राइट मोड़ते हैं तो लेफ्ट मुड़ता है और लेफ्ट मुड़ते हैं तो राइट मुड़ता है, एकदम अपोजिट काम होता है। बट हाँ यार, ये ना एक शॉर्टकट रास्ता है, क्योंकि अभी ना हम लोग इस रास्ते से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ह्यूमेन लैब का मैंने आपको बताया था ना, उसके आसपास घूमना भी बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है, इसीलिए हमने पानी से एंट्रेंस का प्लान करा था। बट पानी भी तो बैक साइड में ही है ना, और बैक साइड हम लोग उसकी फ्रंट साइड से जाएंगे तो सीधी सी बात है फंस जाएंगे बेमतलब, इसीलिए एक दूसरे रास्ते से हमें वहाँ पर जाना होगा। ये जो जगह है ना गाइस, यहाँ पर एकदम प्रॉपर शायद गोल्ड माइनिंग होती है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे ट्रक वगैरह लगे ही रहते हैं और ज़मीन खोदते ही रहते हैं। खैर हमें इनसे बिल्कुल भी मतलब नहीं है, हम लोग अभी ना जल्दी से चलते हैं सीधा इस माउंटेन की बैक साइड पे ताकि हम लोग अपनी सबमरीन को पानी में डाल के ह्यूमेन लैब की टनल तक पहुँच पाएँ जल्दी से जल्दी। हो भाई साहब, फाइनली हम लोग अपने ट्रक को पूरा का पूरा माउंटेन टपा के दूसरी साइड पर लेकर आ चुके हैं और फाइनली अब हमें जाकर कोई एक नॉर्मल लैंड मिला है। तो अपने ट्रक को हम लोग आगे लेकर चलते हैं, यहाँ पर हम लोग अपनी सबमरीन को ना इस ट्रक के ट्रेलर से इजीली उतार सकते हैं। भाई काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहा था इस माउंटेन पे पहले तो ट्रक को चढ़ाना, फिर उसके बाद इसे नीचे लेकर आना। मेरे पास ना एक मस्त आइडिया है, हम लोग ना एक काम करते हैं, अपने ट्रक का जो ट्रेलर है ना इसको पानी में डाल देते हैं, फिर जैसे ही पानी का मतलब जो वाटर लेवल है वो थोड़ा सा भी ऊपर आएगा तभी हम लोग अपने मतलब ये जो सबमरीन है ये पानी में इसे उतार देंगे। लेट्स गो। ऑलराइट, शायद इतने में अपना काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत हम लोग को सबमरीन में धक्का मारना पड़ेगा, अदरवाइज इससे थोड़ा सा और आगे ट्रक हमने कराना तो जो सारा पानी है वो ट्रक के इंजन में चले जाएगा और ट्रक जो है बंद पड़ जाएगा। चल भाई आलसी कहाँ बैठा हुआ है, फटाफट सबमरीन पे धक्का लगवा के इसे पानी में गिरवाओ। तो फाइनली हम तीनों लोग ने मिलकर अपनी सबमरीन को इस ट्रेलर से तो उतार दिया है और ये दोनों लोग तो उसमें फटाफट से जाके बैठ भी गए हैं। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब तक ये सबमरीन थोड़ा बहुत भी पानी में नहीं डूबेगी ना तब तक यार ये स्टार्ट नहीं होने वाली, मीन्स स्टार्ट हो जाएगी बट पानी में नहीं जाने वाली। पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अभी एक के बाद एक ना कॉन्टिन्यूसली बहुत तेज लहर आ रही है और यही टाइम है जल्दी से सबमरीन में बैठने का। लेट्स गो, फटाफट से हम लोग बैठते हैं। भाई बहुत तेज लहर आ रही है अभी अपनी सबमरीन की, अगर ये जो आप देख पा रहे हो ना पीछे फैन है यहाँ तक अगर पानी पहुँच गया तो समझ लो अपना जो मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगा और सबमरीन पानी में खींची चली जाएगी। बस थोड़ा सा वाटर लेवल और ऊपर हो जाए प्लीज गॉड, एक बारी बढ़िया वाली लहर भेज दो यार, मजा आ जाएगा। मैंने ना इसका फैन अभी कॉन्टिन्यूसली स्टार्ट करके छोड़ दिया है, जैसे ही कोई बड़ी लहर आएगी पानी अपने आप इस तक पहुंचेगा और अपनी जो सबमरीन है वो वाटर में खींची चले जाएगी। शायद अभी प्लीज गॉड
ये वाली लहर तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, शायद टाइम आ चुका है। 3, 2, 1 नहीं आया। ओ ओ ओ ओ, ओ फाइनली फाइनली पानी आया और हमारी जो सबमरीन है वो पानी में चली गई। लेट्स गो, अभी फटाफट से इसे हम लोग अंदर लेकर चलते हैं। स्पीड तो यार इसकी सच्ची में बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी तेज़ तो ये आगे नहीं जाती जितनी तेज में पीछे गई है। बट हाँ, पहले मुझे ना थोड़ा इसे ऊपर ऊपर चलाना पड़ेगा क्योंकि आगे थोड़े बहुत पत्थर भी हैं बड़े बड़े, उसमें बढ़ेगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब फटाफट से गाइस इसको हम लोग लेकर चलते हैं सीधा ह्यूमेन लैब रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग के पास में। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी सबमरीन को फुल स्पीड में भगाता हुआ ह्यूमेन लैब रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग की बैक साइड पर पहुँच चुका हूँ। वो जो आप सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख पा रहे हो ना, वही है ह्यूमेन लैब रिसर्च सेंटर। बट हाँ, अभी ना मुझे अपनी सबमरीन को अंडर वाटर कर लेना चाहिए, अदरवाइज मैं उनकी कैमरा की रेंज में आ जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पर ना वो सीक्रेट टनल ढूंढनी है जिसके थ्रू मैं इस रिसर्च सेंटर के अंदर पहुँच सकता हूँ, वो भी बिना किसी को पता चले। बट वो टनल होगी कहाँ पर, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। वैसे अपने पास ना सब कुछ है, अगर टनल मिल गई तो अपना काम हो जाएगा। मीन्स अपने पास स्विमिंग करने के लिए, फास्ट स्विमिंग करने के लिए स्कूबा डाइविंग सूट है, और देर तक पानी के अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए अपने पास बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर है। बट वेट, भले ही पानी में कम डैमेज जाता है पर अगर अपनी सबमरीन भिड़ेगी तो ये ख़राब हो सकती है। मुझे थोड़ा बहुत संभाल के चलानी है और उस टनल को मुझे ढूंढ के ही रहना है। एक तो यार यहाँ पर ना कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, पानी साफ तो है बट इतना भी ज़्यादा साफ नहीं है कि हम लोग हर एक चीज़ को अच्छे से देख पाएँ। बस इतना दिखने में आ रहा है कि यहाँ पर चारों तरफ अच्छे खासे पौधे हैं, बट यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है, वेट, शायद सामने टनल है, मुझे भी उधर के जाना चाहिए। गाइस हमें टनल मिल गई है, वो जो आप सामने देख पा रहे हो वही टनल है। अपनी सबमरीन, रुक जाओ, अपनी सबमरीन ना मैं थोड़ी सी पहले पीछे कर लेता हूँ ताकि हम लोग आराम से इसमें से बाहर तो निकल पाए। टनल तो मिल गई गाइस, इसको हम लोग यहाँ पर लैंड करवा देते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने अपनी सबमरीन को यहाँ ग्राउंड पे सेफली लैंड करवा दिया है और मैं इससे बाहर आ चुका हूँ ये चेक करने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर इन लोगों ने अंडर वाटर तो कोई सिक्योरिटी नहीं लगा रखी ना। पता चला भाई हम लोग बाहर निकले और कोई शाक वाक हमें खाने आ जाए या फिर अलग ही गोलियां पड़ने लग जाए। वैसे मेरे हिसाब से सब कुछ सेफ है। चलो भाई तुम भी बाहर आ जाओ, सबमरीन में पानी भर जाए, क्या कर रहे हैं अंदर, बाहर आओ। हेलो भाई, दोनों के दोनों अंदर बैठे हुए हैं। बट हाँ, ये लोग भी अपने शायद शूज़ वगैरह पहन रहे होंगे फिर बाहर आते ही हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल ये दोनों लोग भी टनल में जाने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं। तो ये रही भाई टनल, लेट्स गो फटाफट, अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं। और मुझे मालूम था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, मतलब कि कोई ना कोई तो बेरिंग जरूर होगी जो हमें अंदर जाने से रोकेगी। तो अभी हमें इसे जला जला के ना पूरा काटना होगा ताकि पूरी की पूरी कट जाए और हम लोग अंदर जा पाएँ। यहाँ पर चारों तरफ पूरा कैसे देख रहे हो, भरा पड़ा है। मैं सबसे पहले ना नीचे वाली तोड़ता हूँ, रुक जाओ, यहाँ से काटते हुए आते हैं। भाई चारों तरफ मुझे कट करना होगा तब जाकर ये पूरी खुलेगी और हम लोग अंदर जा पाएंगे। तो ये भी होगी कट, अच्छी बात तो ये कि ये जो वेल्डिंग मशीन है ये पानी में काम कर रही है। ओके गाइस, तो फाइनली सिर्फ और सिर्फ दो और बचे हैं और हमने इस पूरी की पूरी बेरिंग को जला के कट कर डाला। लेट्स गो, अब फटाफट से इसे तोड़ के गिराते हैं और जल्दी से चलते हैं इस टनल के अंदर और इसको भी हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं फटाफट। गाइस अभी हमें जो भी काम है ना जल्दी से जल्दी करना है, लेट्स गो। ये दोनों तो अपना आगे निकल गए हैं, अब हमें एक्सेस पॉइंट ढूंढना है लैब का। ये जो टनल है ना गाइस, ये मुझे ये थोड़ी अजीब सी टनल लग रही है, इसमें हम लोग एक बारी पहले भी आए हुए हैं ना शायद से। बड़ा ठीक है यार, अभी काम पे हम लोग फोकस करते हैं। तो शायद से हम लोग फाइनली मेन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां से इस टनल के बाहर निकलने का रास्ता है या फिर नहीं। भाई ये टनल सच्ची में बहुत ज़्यादा बड़ी है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बस हम लोग ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं, पता नहीं ये कब एंड होने वाली है। लेट्स गो, यहाँ पर ये देख रहे हो अलग अलग टाइप के फैंस आ रहे हैं, बाय चांस अगर ये चालू हो गए ना तो बहुत ज़्यादा गलत सीन यहाँ पर हो सकता है। फटाफट अभी हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं, लेट्स गो, जल्दी जल्दी हमें ऊपर चढ़ना होगा। भाई ये काफ़ी ज़्यादा अलग टाइप एरिया बना हुआ है, शायद से ये समुद्र का जो पानी है ना वो उठाते होंगे इस वाले टनल के थ्रू। लेट्स गो, हम लोग यहाँ से बाहर आ चुके हैं, फटाफट अभी मुझे लैडर चढ़कर यहाँ से बाहर निकलना होगा। भाई अपनी
रिसर्च लैब में एंट्री होगी, वो भी एकदम चुपचाप से। ओके गाइस, तो अभी ना अपने दोनों पार्टनर्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले लिया है और ये दोनों लोग ना मुझे सच्ची में बहुत ज्यादा ट्रेन लग रहे हैं। ये मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें गन चलाने की जरूरत नहीं है, आगे के बंदे ये देख रहा है, पीछे वाले बंदे ये देख रहा है, हमें बस बंदों को स्टन गन से बेहोश करना है क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी को भी मारना नहीं चाहते। हेलो डॉक्टर, प्लीज 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 जल्दी जल्दी घूम जाओ, अभी हमें आपको बेहोश करना पड़ेगा क्योंकि हमें अपने दोस्त लेस्टर को बचाना है, ठीक है ना। बस मैं यहाँ पर एकदम मस्त स्टन गन बजाते जाऊंगा इन लोग को और आगे बढ़ते जाऊंगा। गन फैक फटाफट लेट्स गो, घूम जाओ नहीं निकल यहाँ से, फिर बेहोश हो, ठीक है। अभी फटाफट हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जल्दी आ जाओ। इस टाइम पर शायद से हम लोग बेसमेंट में है, बेसमेंट के भी थर्ड फ्लोर पे है लिफ्ट ऊपर। ओ लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट नीचे आ रही है और अभी हमें इस लिफ्ट में जो बंदा है उसको भी मारना पड़ेगा यहाँ पर। ओ हेलो डॉक्टर, फटाफट बाहर निकाल इसको जल्दी से, आ तेरी ऐसी की तैसी बात, चुपचाप यहाँ पे लेटे रहे, ठीक है ना। इसका भी हमें पास उठाना है, सिक्योरिटी गार्ड भाई, अगर हमने यहाँ पर कोई भी छोटी सी मिस्टेक करी ना तो यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो अलर्ट हो जाएगी और हमारे यहाँ से जिंदा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जितना काम चुपचाप से हो सकता है उतना चुपचाप से करते हैं। मुझे वैसे लग नहीं रहा है यहाँ पर आगे कोई भी है, लैब वर्कर्स को हमें डाउन करना, रुक जा मैं आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ। स्टन गन है मेरे पास, 3 2 1 हेलो साइंटिस्ट, फटाफट हैंड्स अप, चुपचाप, क्या बोलने जा रहे हैं, चुपचाप, ठीक है, आराम से काम करना है। पर इसको भी अभी मुझे बेहोश करना होगा, ये हो चुका है, शोर मत मचा, ठीक है, हमें शोर बिल्कुल नहीं पसंद है। लेट्स गो फटाफट हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाई ये दोनों ना फुल एकदम मस्त चल रहे हैं, एक मेरे आगे आगे से चल रहा है और एक अगर पीछे से कोई आए तो उसे सरप्राइज करने के लिए। ये जगह भी अलग से है बट यहाँ पर शायद कुछ भी खास नहीं है मुझे। शायद यहाँ से मैं आ रहा हूँ पीछे भाई, यहाँ से कोई तो आ रहा है। ओ भाई सिक्योरिटी, वेट बाय इनको हम लोग जो एक ही शॉट में दोनों लोग डाउन हो गए ना कि बचा कोई, ठीक हाँ दोनों लोग कहते हैं चलो। अच्छा वो लोग निकल भी गए, वाह कोल्ड रूम, आगे वाला रूम कोल्ड है क्या, चल के हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मुझे धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। ओके वेट वाला गेट, यहाँ पर ये कार्ड काम करना था, सही है हमें उसका कार्ड मिल गया वरना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। वो एक्सेस थे, गेट ओपन कर यार, ये गेट क्यों नहीं ओपन कर रहा, हम लोग इसे मार भी नहीं सकते शायद, बट हाँ ये M416 के बुलेट तो आर पर चले जाएगी। अबे गेट ओपन कर रहा है नहीं कर रहा भाई, नहीं मेरा स्टन गन तो वो वही ये कम में आया, चल 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 आ जाता, अब लेट तू यहाँ पर, ठीक है, एकदम फुल डांस वांस करके तेरा भी यही हाल होगा। आ जा बाहर, कुछ नहीं कह रहे, निकल यहाँ से, हाँ लेट्स गो। अभी फटाफट से हमें अंदर जाके मेन चीज यहाँ से उठा लेनी है जो कि लेस्टर को ठीक कर सकती है। लेट्स गो, इसको एकदम सेफली हमें यहाँ से लेकर जाना है कि जल्दबाजी के चक्कर में अगर ये टूटी ना तो हमारी सारी की सारी मेहनत वेस्ट चले जाएगी। सॉरी डॉक्टर, मुझे आपको बेहोश करना पड़ा, मैंने मारा नहीं है किसी को, इसीलिए हम लोग अपनी वो वेट प्रॉब्लम हो गई भैंस की, जो हम लोग नहीं चाहते थे वही हुआ, इन लोग को मालूम पड़ गया। टॉर्चेस जला लो भाई अपनी गन की, सायरन बजने लग गए हैं, हम लोग फंस चुके हैं अभी बहुत गंदे वाला। मुझे यहाँ से देखना होगा, मैं ओ सामने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, रुक जाओ धीरे धीरे आगे बढ़ते, चलती रही ऐसी की तस्ती, इधर अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत हो सकती है। बाकी आगे कोई नहीं, हमें जो मेन चीज़ थी वो मिल चुके हैं, अब बस हमें यहाँ से बाहर निकलना है, कुछ भी करके बस यहाँ से भागना है। बट बहुत ज़्यादा दिक्कत भी तो हो सकती है, आराम आराम से जाना होगा क्योंकि हो सकता है बाहर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी। इस तरफ तो क्लियर है, बैक से आया कोई सामने से, कोई तो आया सामने से, वो आगे से किसी एनिमल के चिल्लाने की आवाज आ रही है मेरे को। वो मरा नहीं गए, मर जा चुपचाप, पीछे से भी और लोग आ गए हैं, मुझे इस टाइम पर इनके ना स्टन गन मारनी होगी, रुक जाओ। नहीं, स्टन गन से नहीं होने वाला कोई काम, फुल एकदम हम लोग अपनी उजी चलाने वाले हैं। लेट्स गो, एक बंदा डाउन, दूसरा बंदा भी डाउन, उजी काफी ज्यादा बढ़िया है, इसको चलाना बहुत ज्यादा आसान है, जो लोग भी आएंगे एकदम मस्त मारे जाएंगे। लेट्स गो, अब अपनी M4 बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे मंकी हैं क्या भाई, ये देख रहे हो, इन लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे ना मंकी पाले हुए हैं,
पता नहीं यार ये लोग अभी मुझे यार जो काम के लिए मैं आया हूँ मुझे इस पर फोकस करना चाहिए। ये देखो यहाँ पर कितने सारे मंकी हैं, पता नहीं यार शायद से इस रिसर्च सेंटर में इनके ऊपर भी कोई ना कोई रिसर्च चलते रहती होगी। ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं सारे के सारे। अबे चुप हो जाओ थोड़ी देर, तुम्हें गोली नहीं मारने आए यहाँ पर, हम लोग इन लोग को मारने आए हैं, ठीक है ना। वाला गेट ओपन नहीं हो रहा है, मैं ओपन करूँ? वेट, ये गेट तो लॉक है, इस गेट को तोड़ना है क्या? हटो भाई फिर तोड़ेंगे ना, वो तोड़ दिया इसने। लेट्स गो, बहुत सही लात पड़नी थी इस गेट पे बस एक। और फटाफट हमें ना यहाँ से बाहर निकलना है। वो भाई साहब बाहर तो पूरी की पूरी मिलिट्री आ चुकी है। अभी मेरे पास ना एक मस्त आइडिया है, तुम्हारी ऐसी की तैसी ग्रेनेड लो तुम, अभी पटाखा बजेगा बहुत गलत वाला, ठीक है। पूरी की पूरी इस टाइम पे मिलिट्री आ चुकी है और अब अपना यहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये उजी हमें बचा सकती है इन लोग से, निकल यहाँ से भाई साहब, निकल भी नहीं रहे लोग। तो अभी मैंने अपनी उजी ना फुल रीलोड कर ली है, अब जैसे ये लोग झांकेंगे ना हमें मारने के लिए मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। निकलती रही ऐसी तैसी, दोनों के दोनों डाउन कर दिए हैं। ये ग्रेनेड्स हैं कुछ, ये मुझे यहाँ पर एकदम मस्त बाहर को फेंकने होंगे। गया 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 वो बंदा बहुत गंदा मरा बेचारा, इसके मुंह के पीछे जो ग्रेनेड फेंका था मैंने। लेट्स गो, मुझे यहाँ पर से भी कवर लेना चाहिए, बट इसको पहले मेरे को मारना पड़ेगा तभी मैं एक अच्छा कवर ले पाऊंगा। बाहर से ना काफ़ी ज़्यादा गंदी रोशनी आ रही है जिस वजह से मैं वैसी कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। रुक जाओ, एक ग्रेनेड मैं फेंकता हूँ यहाँ पे। ये ग्रेनेड तो यहीं पे गिर गया, बट शायद इसको चक्कर आए इस ग्रेनेड से। लेट्स गो, सब कुछ एकदम ओके, जल्दी से बाहर आ जाओ और फटाफट हमें यहाँ से निकलना होगा। टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। ओ भाई साहब, इसके अंदर हमें वो चीज़ डालनी है एकदम सेफली ताकि बस वो ठंडी रहे। ये टाइप से फ्रिज है जो हम लोग यहाँ पर लेकर आ गए हैं, बस ये एकदम ठंडी रहे इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद हमें सीधा इसे लेसर तक पहुँचाना है। ऑल डन, सब कुछ एकदम ओके है। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने ये इंजेक्शन यहाँ से चुरा लिया है, यानी कि अब हम लोग लेस्टर को बचा सकते हैं। और साथ ही अपने जो पार्टनर्स थे ना, उन्होंने इधर का सारा मामला भी शांत कर दिया है। इधर जितने भी मिलिट्री सोल्जर थे उन सबको मार दिया है, और जो बचे कुछ थे ना उनको अंदर ले जाके शटर बंद करके कूटा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि वो सारी की सारी सिचुएशन यहाँ की हैंडल कर लेंगे, अब हमें फटाफट से ना यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे यार इस ट्रक में इसको कैसे लोड कराना है ये नहीं समझ आ रहा। वेट, सामने इतना बड़ा मिलिट्री वालों का ट्रक खड़ा हुआ है, इसके अंदर तो मैग्नेट भी लगा होता है। सीधा इसके अंदर बैठते हैं और उस कंटेनर को उठाकर अभी हम लोग ना जल्दी से निकल लेते हैं सीधा लेस्टर के पास। इससे पहुंचने में तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आज रात क्या अभी के अभी जाकर हम लोग लेस्टर को बचा लेंगे। लेट्स गो, फटाफट इसका मैग्नेट ऑन करके इसे अटैच करते हैं। ओके गाइस लेट्स गो, तो फाइनली हमने अपनी हेलीकॉप्टर से इस पूरे के पूरे कंटेनर को उठा लिया है और फटाफट से ना फुल स्पीड में हम लोग निकल लेते हैं सीधा लेस्टर के पास उसे ठीक करने के लिए। भाई कसम से अभी सच्ची में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, अपने जो पार्टनर्स मिले थे ना जो फ्रैंकलिन ने भेजे थे, भाई इनको पूरा का पूरा नॉलेज था कि किस तरीके से हमें इस चोरी को करना है। अब मुझे नहीं पता वो लोग सेफली वहाँ से बचकर आ पाएंगे या फिर नहीं, बट हाँ उन्होंने अपना काम करवा दिया यार सही में। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हम लोग अपने हेलीकॉप्टर के थ्रू इस कंटेनर में जो इंजेक्शन है जिससे लेस्टर बस कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा, उसको फाइनली अपने घर पे लेकर पहुंच चुके हैं जहाँ पे लेस्टर है। अब बस ये इंजेक्शन उसे लगानी है, बट उससे पहले मुझे अपने हेलीकॉप्टर को एकदम सेफली लैंड करवाना होगा। अपने घर पे कोई भी हेलीपैड नहीं है, बट अच्छी बात तो यह है कि अपने घर के बैकयार्ड में एक बहुत बड़ा टेनिस कोर्ट है जहाँ पर एक तो नहीं कम से कम दो तीन हेलीकॉप्टर एक बार में लैंड कर सकते हैं, तो इसलिए एकदम सेफली लैंडिंग हम लोग यहाँ पर मारते हैं। भाई साहब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, अब बस लेस्टर यार हमें जल्दी ना इस बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाले और ट्रैवर को बचा के लाए, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए ट्रैवर भी है तो लेस्टर भी है। आज दो लोगों की मीन्स दो दोस्तों की जाने की बार में बचने जा रही है, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। बस इसको एकदम प्यार से यहाँ पर मुझे लैंड करवाना है। मैं थोड़ा डर इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो अपनी सारी मेहनत ख़राब होने में यहाँ पर सिर्फ 10 सेकंड भी नहीं लगने हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लैंड करा देते हैं। ऑल डन,
अब बस मुझे इस कंटेनर में जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है इसमें से वो इंजेक्शन बाहर निकालना है और जल्दी से ले जाके डॉक्टर को देना है ताकि वो लेस्टर को लगाए। ऑलराइट, तो अभी ना मैंने इस इंजेक्शन ट्यूब को इस रेफ्रिजरेटर में से बाहर निकाल लिया है, फटाफट से इसे लेकर चलते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी लेस्टर के डॉक्टर के पास ताकि वो इस इंजेक्शन को लेस्टर की बॉडी में इंजेक्ट करके उसे फटाफट से ठीक कर दे। भाई मैं ना सच्ची में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लेस्टर से बात करने के लिए। पता नहीं यार कितना टाइम हो गया उसे इस तरीके से बेड पे लेटे हुए। लो डॉक्टर, आ गया वो इंजेक्शन। गाइस अभी ना अपने पास दो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है बट उसके साथ ही एक उनसे भी ज़्यादा बड़ी बैड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ ये है कि इंजेक्शन लगने के सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाद ही लेस्टर को होश आ चुका है। लेस्टर एकदम ठीक पहले जैसा हो गया है और इसकी कोई याददाश्त वगैरह नहीं कि ये सबको पहचान रहा है, सब कुछ एकदम ओके है। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि लेस्टर कह रहा है कि डगन बॉस ट्रेवर को नहीं मारेगा। मीन्स मैंने इसे पूरी की पूरी कहानी बता दी कि हमारी डगन बॉस से बहुत बुरी लड़ाई हो चुकी है, डगन बॉस ट्रेवर को उठा कर ले गया क्योंकि हमने उसके जिगरी दोस्त अंडरवाटर माफिया को जो पकड़ा था और उसके $1 बिलियन सीने थे। तो ये कह रहा है कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो ट्रेवर को नहीं मारेगा क्योंकि अंडरवाटर माफिया उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें भी डगन बॉस को धमकी देनी होगी कि अगर तूने ट्रेवर को मारा तो हम लोग अंडरवाटर माफिया को तुरंत मार डालेंगे। तो सीधी सी बात है, उसको भी अंडरवाटर माफिया चाहिए और हमें ट्रेवर चाहिए, तो वो भी ट्रेवर को नहीं मारेगा और हम लोग भी अंडरवाटर माफिया को नहीं मारेंगे। बट प्रॉब्लम ये है, डगन बॉस ने हमारी सारी की सारी प्राइवेट कॉल रिकॉर्डिंग्स और जितना भी कुछ हमने आज तक गलत काम करा है उन सभी की एक फाइल्स बनाकर FIB को दे दिया विद प्रूफ, जो कि यार हमारे लिए सच्ची में बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ वाली बात है। आप लोग को याद होगा कि डगन बॉस बोल रहा था ना कि उसके पास एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू वो हम चारों लोग को सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर मरवा सकता है, तो वो यही चीज़ थी। और ये चीज़ लेस्टर ने पता कर लिया है, इसीलिए लेस्टर तुरंत खड़ा हो गया, अपने फ़ोन में लगा हुआ और वो कह रहा है कि अभी ना हमें जल्दी से जल्दी वो जो फाइल्स है ना उसको पूरा मिटाना होगा और वो जो फाइल्स है वो है FIB के ऑफिस में। बट FIB के ऑफिस में कैसे जाएंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेस्टर तुरंत जागते कपड़े बदलने लग गया है, मुझे भी कपड़े बदल लेने चाहिए क्योंकि लेस्टर कह रहा है कि अभी हम लोग चलने वाले हैं सीधा FIB ऑफिस के लिए, हमें आज रात होने से पहले कुछ भी करके वो फाइल्स मिटानी है FIB के ऑफिस से। ओके गाइस, तो अभी ना मैंने अपना फेवरेट कोट पैंट पहन लिया है, अब जल्दी से चल के देखते हैं लेस्टर रेडी हुआ या फिर नहीं। कपड़े तो लेकर गया था, शायद अब तक रेडी हो गया होगा। चल के वेट, लेस्टर कहाँ पर चला गया भाई? अभी वो यहीं पर आया था कपड़े लेके वहाँ से, और साथ ही उसका डॉक्टर भी गायब है। भाई मुझे ना सच्ची में अब कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है यार, ये लेस्टर में ही तो कोई गड़बड़ नहीं है। इतने दिन से एक्टिंग कर रहा था क्या ये मरने की, मतलब बेहोश होने की, उसके बाद कोई इंजेक्शन आया फिर वो डॉक्टर को दिया और ये दोनों ही गायब हो गए। भाई ये क्या सीन चल रहा है यार, एक सेकेंड मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी तक लेस्टर ठीक हो गया था, उससे पूरी बात हुई, उसने डगन बॉस की आगे की प्लानिंग बताई और पूरा बताया हमें उससे कैसे बचना है, और फिर वो सीधा गायब हो गया। वेट, यहाँ पर शायद से नीचे फ्रैंकलिन को पता होगा कि कहाँ पर गया लेस्टर, मैं इससे पूछता हूँ। वेट यार, ये अलग ही गुस्से में बैठा हुआ है, ये कह रहा है इसने देखा ही नहीं। भाई सब सामने खड़ा हुआ है, बंदा बाहर जाएगा तो यहीं से जाएगा, इसने देखा कैसे नहीं मुझे सब। ओ वेट, लेस्टर तो सामने ही खड़ा हुआ है, मुझे लग रहा था कहीं भाग गया होगा, बट लेस्टर यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, ये लग रहा है यार बहुत ज़्यादा जल्दी में है। गाइस लेस्टर कह रहा है कि जल्दी करो, अपने पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। मैं खाली पीली उसके ऊपर शक कर रहा था कि कहीं ये डॉक्टर के साथ भाग तो नहीं गया कहीं और को कुछ और ही प्लानिंग के साथ, बट यार ऐसा नहीं है। ये फटाफट से मतलब जल्दबाजी में फ्रैंकलिन ट्रेवर जिसके कपड़े मिले उसके कपड़े पहन के सीधा नीचे आ गया, गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी FIB बिल्डिंग। बट अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है हम लोग FIB बिल्डिंग क्यों जा रहे हैं, मुझे इससे पहले पूछना होगा। मीन्स मुझे इतना तो मालूम है कि FIB बिल्डिंग में वो सारी की सारी फाइल्स हैं जिसमें हमारे खिलाफ प्रूफ्स हैं और हमें उसे डिस्ट्रॉय करना है, बट ये काम हम अकेले दो बंदे नहीं कर पाएंगे, इसके लिए यार एक अच्छी खासी टीम चाहिए होगी। पता नहीं यार लेस्टर क्या ही करवाना चाहता है हमसे। ओके गाइस, तो अब हमें लेस्टर बताएगा कि हमें क्या कैसे और क्यों करना है। Not really, but I thought we'd start by finding a way into the building. Okay, हमें बिल्डिंग में जाने का रास्ता ढूंढना है। We're waiting for someone to come out of it. A janitor. All right. Now how's that going to get us in? A janitor बाहर आएगा? They're all on temp contracts. They get replaced when their backs go or they ask for a day off. So we find one of these guys, we turn him, and that's our end. तो हम लोग FIB की बिल्डिंग में जाने वाले हैं एक सफाई वाले का रूप लेके। Found a guy about to clock off.
Got the file here. Okay. Let's see. Harvey Molina, license plate 83QSL722. 83QSL722 उसकी गाड़ी का नंबर है. Sounds good. Okay. तो अभी हमें FIB बिल्डिंग के अंदर जाने का तरीका लेस्टर ने बताया कि जो सफाई वाले होते हैं ना, हम लोग उनकी जगह लेके FIB बिल्डिंग में जा सकते हैं और उसके छुट्टी का टाइम यही है. Let's wait for him. तो उसकी गाड़ी यहाँ से निकलेगी. अगर हमें वो बंदा मिल जाता है तो अपना काम हो जाएगा. बट अभी तो फिलहाल यहाँ से किसी की भी गाड़ी नहीं आ रही है. बट अकॉर्डिंग टू लेस्टर टाइम उगी गाड़ी है. गाड़ी 83QSL2 कुछ नंबर बताया था. नहीं ये वो नहीं है. So what do you think about this whole messed up situation? तो अभी हमें उसका यहाँ पर खड़े होकर वेट करना है. अगर वो बंदा हमें मिल जाता है or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. तो अभी जैसा जैसा लेस्टर हमें कहता जा रहा है हमें वही करना है. अदरवाइज बहुत ज्यादा बड़ी एक और गाड़ी है. ये गाड़ी का नंबर 83 नहीं यार. अगर हमें गाड़ी दिखती है तो बस हमें उस गाड़ी जिसकी वो गाड़ी है उसका पीछा करना है, उसको लपेटना है. यहाँ पर एक गाड़ी और आई है. वेट इसका नंबर क्या है? 02C. यार पता नहीं अभी मुझे यहाँ पर और कितना वेट करना होगा. फिलहाल एक गाड़ी यहाँ पर और आई है. अगर हम लोग इसका की कार्ड ले लें, अभी मुझे इसका चुपचाप से पीछा करना है. लेस्टर कह रहा है चुपचाप से चलो और जब सही मौका मिले तब हमें इसे लपेटना है. इसकी मेन हमें ड्रेस चाहिए है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका जो मेन FIB का कार्ड है जिसके थ्रू ये अंदर एंटर होता है. गाइस मैं ना पिछले 5 मिनट से इस बंदे का पीछा कर रहा हूँ लेकिन इसका घर जो है आने का नाम ही नहीं ले रहा है. बट फाइनली इसने अपनी गाड़ी को यहाँ से राइट मोड़ा है. वेट, मैं भी अपनी गाड़ी ना यहाँ पर इस वाली गली में छुपा देता हूँ क्योंकि उसके बगल में ले जाके खड़ी करूँगा तो उसको हमारे ऊपर शक हो जाएगा. वो गाड़ी से बाहर निकला, मैं भी अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाता हूँ. मुझे ना इससे एकदम छुप के रहना होगा. वो किसी लड़की से बात कर रहा है ऊपर, मैं इधर छुप जाता हूँ. ओके इसको इग्नोर मार दिया उसने. उसने बोला मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँगी. लेट्स गो. सॉरी आप जाओ अपना. मुझे बस अभी ना इसका चुपचाप से पीछा करना है कि आखिरकार ये जा कहाँ पे रहा है. यहाँ से तो सीधा चला गया. लेट्स गो भाई. अब टाइम आ चुका है इसको मारने का. बट रुक जाओ यार, अभी गली में भी नहीं. अगर ये अपने घर पे ही जा रहा है तो हम लोग इसको इसके घर में घुस के ही मारेंगे, शायद से वो ज़्यादा बेटर रहेगा. ये इसने ऊपर जाके अपना गेट अनलॉक करा है. यार ये अंदर से जाकर ना गेट लॉक ना कर ले तो उससे पहले मुझे ऊपर पहुंचना होगा. गेट मत लॉक करियो प्लीज़. मैं आ चुका हूँ सीधा ऊपर. हैरान हो गया भाई ये कौन आ गया. The guy with your best interest at heart. Fill your pockets with money and all you gotta do is take a little vacation. लेसन ने कहा था अगर वो कोऑपरेट करे तो बेटर है. Hey, you want the beer? Nah, I'll just take the overalls. Oh, and your ID. बढ़िया बंदा है. Oh, and Harvey. I probably don't need to say this, but you don't play ball, I'll be forced to do something I really don't want to do. Enjoy your beer. इसके बेचारे की जॉब जा सकती है. बट कोई नहीं यार, अभी हमें ट्रेवर को बचाना है. जॉब तो इसे फिर भी दूसरी मिल जाएगी. तो सीधी सी बात है, हम वो हमें जानता है, उसे पता है अगर हमने नहीं दिया तो सीधा उसके मत्थे पे गोली पड़नी है, खेल खत्म हो जाना है. लेट्स गो. लेस्टर चीज हमें मिल चुकी है. अब फटाफट से लेस्टर से पता करते हैं आगे का प्लान क्या है. बिल्कुल सक्सेसफुल. ओके तो अभी लेस्टर को हम लोग वापस घर पे लेकर चलते हैं और देखते हैं भाई लेस्टर का आगे का क्या प्लान है. ओके गाइस तो अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और फाइनली इसने मुझे बता दिया है कि आखिर कैसे हम लोग FIB बिल्डिंग में जाकर वहाँ पे उन फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो यार देखो लेस्टर का जो मेनली प्लान है ना, उस प्लान में वो पर्टिकुलर फाइल नहीं डिस्ट्रॉय होगी, पूरी की पूरी FIB बिल्डिंग का जो मेन फ्लोर है जहाँ पर सारी चीज़ें स्टोर होती है वो पूरे के पूरे फ्लोर में हम लोग ब्लास्ट करने वाले हैं बहुत तगड़ा. बट वो जो ब्लास्ट है उसे करने के लिए हमें अंदर बॉम्ब ले जाने होंगे और जो बॉम्ब है वो लेस्टर मुझे देने वाला है अभी. और फिलहाल अभी घर पर इसलिए लेकर आया क्योंकि फ्रैंकलिन को भी हमें बताना है कि वो इस प्लान में हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकता है. तो पहले हम लोग अकेले जाएंगे FIB बिल्डिंग में, उसके बाद फ्रैंकलिन आएगा जब हम लोग वहाँ से भागेंगे. मीन्स हमें दोबारा से FIB बिल्डिंग में जाना है,
कुछ इंपॉर्टेंट और फाइल्स निकालने के लिए। यार पता नहीं लेस्टर कितनी जल्दी सोच लेता है सब। अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं यार आखिरकार क्या सीन है। करेक्ट 6:30 बजे, अभी 5:30 बज रहे हैं, मीन्स 1 घंटे बाद मुझे सीधा जाना पड़ेगा FIB बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा रिस्क उठा के। बाकी फ्रैंकलिन कहाँ पे है मुझे नज़र नहीं आ रहा, TV देख रहा है क्या, पता नहीं शायद ऊपर वाले फ्लोर पे होगा। कॉल करके ही मैं नीचे बुला लेता हूँ, लेस्टर भी आ रहा है, आराम से बैठ के पूरी बात कर लेते हैं। ओके गाइस, तो अभी ना हम तीनों लोग ने मिलके फुल प्लान डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से किसको क्या करना है, और साथ ही डगन बॉस को भी फोन करके बोल दिया है कि अगर तूने ट्रेवर को मारने की कोशिश भी करी तो अंडरवाटर माफिया तो बहुत ज्यादा बुरी तरह मारा जाएगा ही, और साथ के साथ हम लोग एल रूबियो को भी मार डालेंगे कुछ ना कुछ करके। वैसे ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट हाँ धमकी देने में क्या जा रहा है। तो अब पता नहीं आगे डगन बॉस क्या करने वाला है। फिलहाल जो काम अभी हम लोग करने जा रहे हैं वो सच्ची में अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी करी थी, बाहर नहीं, जो मैं भी मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ फिलहाल। हाँ, जो ये प्लान है ना ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लेस्टर ने सबको सबका रोल बता दिया है कि किसको क्या करना है। अपना काम है हमें जाना है पहले FIB बिल्डिंग में, और वहाँ पर जाके ना सफाई करते करते चुपचाप से ना बहुत सारे बॉम्ब्स प्लांट कर देने हैं। सारे के सारे बॉम्ब मुझे लेस्टर ने दे दिए हैं। ये काम काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, अगर वहाँ पर किसी एक बंदे ने भी हमें बॉम्ब प्लांट करते हुए देख लिया ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बट अगर एक बारी सारे बॉम्ब प्लांट हो गए तो हमें तुरंत पूरे सफाई का काम ख़त्म करके उस बिल्डिंग से बाहर निकलना है ताकि बॉम्ब ब्लास्ट होए और हमें कुछ ना हो। और बाहर निकलते ही हमें बॉम्ब ब्लास्ट करना है, उसके बाद तुरंत फ्रैंकलिन फायर ट्रक लेकर आएगा। उस फायर ट्रक के थ्रू हम लोग फायर फाइटर बनके आग बुझाने दोबारा उस बिल्डिंग में जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि उस ब्लास्ट से वो जो डेटा है वो वैसा का वैसा ही रह जाए, क्योंकि सीधी सी बात है जो इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं उन्हें फुल प्रोटेक्शन के साथ रखा जाता है। तो हमें दोबारा बिल्डिंग में ये कन्फर्म करने जाना है कि वो जो मेन डेटा है वो डिस्ट्रॉय हुआ या फिर नहीं, और अगर वो नहीं हुआ रहेगा तो हम लोग उसे जानबूझकर डिस्ट्रॉय करेंगे और बस अपना काम खत्म। ये सुनने में आसान लग रहा है बट असली में बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। फटाफट से भी हम लोग चलते हैं सीधा FIB बिल्डिंग पे। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग FIB बिल्डिंग पे पहुंचने वाले हैं। करेक्ट 6:25 हो रहे हैं, हमें 6:30 बजे पहुंचना था, हम लोग बहुत सही टाइम पर आ गए हैं। बट मैं एक काम करता हूँ कि अपनी गाड़ी ना अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, अगर वहाँ के कैमराज में नोट हो गई तो ना प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बढ़िया रहेगा कि अपनी गाड़ी को ना हम लोग यहीं पर साइड में पार्क कर दें और चुपचाप से ना पैदल चलते हैं बिल्डिंग के अंदर। वो अभी देखो शायद से इनकी ऑफिस से छुट्टी हुई है, जा रही हैं, ठीक है इनकी जान बच गई। बट हाँ, जो जो बिल्डिंग में है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग मारे जाने वाले हैं जो उस फ्लोर पे हैं जहाँ मैं बॉम्ब प्लांट करने जा रहा हूँ। ओके, तो अभी फटाफट से हम लोग यहाँ से राइट मुड़ते हैं और चलते हैं सीधा FIB बिल्डिंग के अंदर। वैसे मैं सही बताऊँ तो इस टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मैं विदाउट वेपन इस बिल्डिंग के अंदर जा रहा हूँ। मेरे पास बस कुछ बॉम्ब्स हैं जो कि लेस्टर ने मुझे छुपा के पॉकेट में रखने के लिए बोले हैं, और वो इस FIB की मशीन में डिटेक्ट भी नहीं होने वाले, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, वरना तो मेरे को ये लोग गेट पे ही पकड़ लें। फिलहाल आज गेट पे भी कोई बॉडीगार्ड नहीं था। ओके, तो वैसे मैं न्यू मैं पुराना ही बंदा हूँ, पता नहीं ये लोग जाने देंगे या फिर नहीं। ओके, पास कार्ड है। Alright, head up. इन सब पोजीशन पे कॉन्फिडेंस ही होता है, इतने कॉन्फिडेंस से बोला है कि भाई वो मान ही नहीं सकता कि मैं फेक हूँ। अगर उसे फेक लगेगा भी ना तो उसे मेरी बातों से लग जाएगा मैं रियल हूँ। फिलहाल हाँ, अभी मुझे चुपचाप से इस लिफ्ट के थ्रू यहाँ से ऊपर जाना होगा। लेट्स गो। ओ भाई सब देख रहे हो 59 फ्लोर तक की लिफ्ट है। चुपचाप से ऊपर चलते हैं, अपना डर कम करने के लिए भाई अपना माइकल भी थोड़ा बहुत गुनगुना ले रहा है। ओके, हम लोग 49 नंबर फ्लोर पर आ चुके हैं और इसी बिल्डिंग को आज हमें ब्लास्ट करना है वो सारे के सारे प्रूफ मिटाने के लिए। तो अभी हमें पहले मेंटेनेंस रूम में जाना होगा, क्योंकि यहीं पर वो मुझे बकेट एंड मॉप मिलने वाला है जिससे मुझे इस पूरे के पूरे फ्लोर की सफाई करते करते चुपचाप से बॉम्ब प्लांट करने हैं। तो सबसे पहले अभी हमें ऑफिस का फ्लोर साफ करना होगा जो मेन फ्लोर है, और यहाँ पर मेरा कार्ड लगेगा जो हमने कार्ड उससे लिया था। ऑलराइट भाई, अगर वो बंद लेस्टर ने सही टाइम पे दिमाग चलाया। ओके, तो मुझे यहाँ पर पहले ना गंदगी साफ करनी है। यार देखो मेरा मन तो नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी सफाई सफाई करने का, बट ये काम सच्ची में हमें करके दिखाना पड़ेगा वरना उनको हमारे ऊपर शक नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने मोप को थोड़ा सा साफ करा है, और अभी मुझे इस एरिया को पूरा क्लीन करना है। ये तो हो गया क्लीन, यहाँ पर भी थोड़ी सी गंदी है, इसको भी हम लोग साफ करते हैं। वाओ, मेरा मॉप ही गंदा हो चुका है, मुझे मॉप को दोबारा से वॉश करना पड़ेगा। भाई थोड़ा साफ पानी रखो यार,
हाँ एक बार ही हल्का सा करा है, इतना गंदा हो गया, बट कोई नहीं, अभी हमने मॉप को दोबारा से वॉश कर लिया है भाई, लेट्स गो। हम लोग जानबूझ के ऐसे सीटीवीटी बचा रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को लगे कि हाँ हमारा रेगुलर काम यही है, हम लोग ऐसे घबराए हुए नहीं लगने चाहिए। पहले मुझे उस वाले रूम में भी देख कर आना होगा कि यहाँ पर क्या गंदगी है, बट ये सही मौका है, हम लोग यहाँ पे बॉम्ब लगा सकते हैं। मेरे आसपास कोई नहीं था, एक बॉम्ब गाइस हम लोगों ने चुपचाप से प्लांट कर दिया है। अब फटाफट से हम लोग इस बकेट को उठाते हैं और चलते हैं यहाँ से आगे, कुछ इसी तरीके से इस बिल्डिंग के चारों तरफ मुझे बॉम्ब प्लांट करने हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग में मेन अपना काम है ताकि आग लग जाए और उसके बाद हम लोग फायर फाइटर बन के आए और यहाँ पर सारा का सारा डेटा डिस्ट्रॉय कर दें। अभी ये वाला फ्लोर तो साफ हो गया है, यहाँ पर यार ये कितना ज़्यादा बड़ा ऑफिस है, मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी होगी। तो अपनी बकेट को ना हम लोग यहाँ पर रखते हैं, मॉप को थोड़ा सा वॉश करते हैं और उसके बाद अपना सफाई यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा है फ्लोर भाई, वह बाहर से साफ वाफ नहीं करके आते क्या शूज, इतनी ज्यादा मिट्टी आने का मतलब क्या है अंदर। वैसे मुझे ये मिट्टी नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग कॉफी ऑफी पीते रहते होंगे तो वही गिर जाती है, क्योंकि यार एक FIB एजेंट होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, दिन रात भाई यहीं पर उन्हें ऑफिस में बैठे रहना होता होगा। फिलहाल अभी मुझे मॉप को दोबारा से वॉश करना है, बकेट भी उधर ही लेकर चलते हैं क्योंकि वहीं पर ज़्यादा गंदगी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार इस वाले फ्लोर पे, मतलब कि इस जगह पे मैं बॉम्ब कहाँ पे लगाऊंगा, क्योंकि शायद अंदर तो मैं जा नहीं सकता, अंदर जाऊंगा तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे सिर्फ बाहर बाहर का एरिया साफ करने की परमिशन है, तो यही एरिया साफ करते हैं, बाकी देखा जाएगा कि बॉम्ब हम लोग कहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ तो कहीं नहीं लगेगा, चुपचाप बकेट उठाकर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं वहाँ अगर कहीं बॉम्ब लग पाएगा तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यार अगर एक भी FIB एजेंट ने देख लिया ना तो अपनी बैंड बजाने। ओह यहाँ पे हम लोग बॉम्ब लगा सकते हैं, जैसे ही जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो टेबल्स या फिर सोफ़ा टाइप रखे हुए हैं इसके नीचे हम लोग एक आध बॉम्ब प्लांट कर सकते हैं, बट पीछे कोई वो खड़ा हुआ है एक एजेंट, वो हमें देख ना ले कहीं। चलो कोई नहीं, पहले ये वाला एरिया साफ करा, अभी ये वाला एरिया भी साफ। गाइज यहाँ पर ना हम लोग इजीली बॉम्ब प्लांट कर सकते हैं, कोई भी मेरे को देख नहीं रहा है, मुझे पहले अपना मॉप धो के यहाँ की क्लीनिंग कंप्लीट करनी है, फिर मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ पर एकदम मस्त तरीके से एक बॉम्ब प्लांट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर ना ये रेस्ट रूम है, फटाफट से इसके अंदर चलते हैं और जा करना एक आध बॉम्ब प्लांट कर देते हैं, बस अंदर कोई हो ना। ओके हाँ मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ कभी कभार भाई, ये क्या कर रहा है अंदर। चुपचाप यहाँ पे हम लोग बॉम्ब लगा देते हैं, उसने देखा ना हो यार बस, क्योंकि वो भी शायद से टॉयलेट करके जस्ट गया ही था। हाँ नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। लेट्स गो, अभी मुझे अपनी बकेट उठानी है और आगे का काम करना है। भाई हम लोग एकदम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, सफाई भी हो रही है तो साथ के साथ इस बिल्डिंग में ब्लास्ट के लिए बॉम्ब भी प्लांट्स होते जा रहे हैं। लेट्स गो, बकेट उठा ली, टेक। अच्छा अपना काम हो गया, हमें बस हाँ हमें इस बिल्डिंग को उतना नहीं ब्लास्ट करना कि सब कुछ एकदम चूरा चूरा हो जाए, बिल्डिंग ही गिर जाए, हमें बस इतना ही ब्लास्ट करना है कि ये सारे के सारे मुझे ना बोल रहे हैं न्यू जनरेटर, मतलब कि नया सफाई वाला आया है। हाँ ठीक है चलो खैर छोड़ो अभी। हाँ तो हमें बस इस बिल्डिंग में इतना ब्लास्ट करना है कि एक आग लग जाए, उसके बाद हम लोग दोबारा फायर फाइटर बन के आएंगे और सारा का सारा डेटा डिस्ट्रॉय करेंगे और उल्टा जो जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो लेकर भी जाएंगे यहाँ से, क्योंकि FIB का जो डेटा है वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। ओके अभी चलते हैं हम लोग सीधा ग्राउंड फ्लोर पर, और अभी मुझे नहीं बोलना फ्रैंकलिनरों को बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए, जब मैं इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाऊँगा ना तब मैं उन लोग को बोलूँगा, और उन्होंने शायद अभी तक फायर फाइट मतलब जो फायर ट्रक है वो रेडी रखा होगा ताकि जैसी ब्लास्ट हो वैसे ही हम लोग फायर फाइटर बनके इस बिल्डिंग में आ जाए। बस मुझे ना कपड़े चेंज करने होंगे फटाफट से, और कपड़े वगैरह का जुगाड़ लेस्टर ने अभी तक तो करवा दिया होगा। बाय सर, मजा आया मुझे आज सफाई करके। ओके तो शायद ये लोग कह रहे हैं ऑफिस भी बंद होने वाला है, मतलब सारे के सारे लोग छुट्टी होने वाली होगी। हाँ काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई है, बट FIB मेरे हिसाब से 24/7 चलता होगा, पता नहीं यार। अपना काम हो गया, हमें बस बिल्डिंग ब्लास्ट करनी है। फ्रैंकलिन को कॉल करके बता देते हैं हम काम हमारा काम हो चुका है, बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं। ओके फ्रैंकलिन उठा कॉल, उठाया। Hey, charge is set. I'm out of the building. Okay, guys, तो अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन भी अपनी फायर ट्रक लेकर यहाँ पर आ चुका है। जल्दी से हम लोग इसके अंदर बैठते हैं और बटन दबाते हैं इस बिल्डिंग को ब्लास्ट करने का। लेट्स गो, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो अभी बस हमें अपना फोन निकालना है और बॉम्ब को ब्लास्ट करना है। ओह माय गॉड, ये 4-5 बॉम्ब ने क्या ही तबाही कर दिया इस बिल्डिंग में, अलार्म वगैरह सब कुछ बच गए हैं।
टाइम आ चुका है अपने फायर ट्रक को लेकर इस बिल्डिंग के अंदर जाने का। भाई साहब एफआईबी वाले भी सोच रहे होंगे कि लॉस सैंटोस की फायर डिपार्टमेंट सर्विस तो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गई है। ब्लास्ट होने के 10 से 15 सेकंड बाद ही गाड़ी लेकर पहुंच गए। लेट्स गो, फिलहाल अभी फालतू मजाक नहीं करना, जल्दी से अपनी गाड़ी हम लोग यहीं पर खड़ी करते हैं, बाहर निकलते हैं और चलते हैं सीधा इस बिल्डिंग में, क्योंकि यार अभी ना हमें कुछ भी करके अपना जो प्लान है वो पूरा सक्सेसफुल पास करवाना ही करवाना है। भाई साहब यहाँ पर तो आप लोग देख पा रहे हो ऊपर से किस तरीके से धड़ाधड़ पत्थर गिरे जा रहे हैं के करके। लेट्स गो, फटाफट अभी हम लोग चलते हैं सीधा इस बिल्डिंग के अंदर। अपने पास फायर एक्सटिंग्विशर तो नहीं है, बट हाँ जो जो चीज़ें हैं अपने पास वो सारी हैं। तो हमने ब्लास्ट करा था फ्लोर नंबर 49 पे, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से सीधा चलते हैं ऊपर फ्लोर नंबर 49 पे। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोग फ्लोर नंबर 47 तक इस लिफ्ट के थ्रू पहुंच गए हैं, बट अभी हमें ना एकदम टॉप फ्लोर पर जाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर लिफ्ट टॉप फ्लोर पे क्यों नहीं गई, तो यार देखो हमने फ्लोर नंबर 49 पे ही ब्लास्ट किया था, तो सीधी सी बात अगर वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है तो वहाँ की जो लिफ्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई होगी, और अगर डैमेज नहीं भी हुई तो लिफ्ट के थ्रू जाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो इसलिए चुपचाप से हम लोग फ्लोर नंबर 47 तक तो आ गए हैं, बाकी आगे का रास्ता हम लोग स्टेयर्स के थ्रू कवर करने वाले हैं। कम ऑन गाइस, जल्दी करो, इतनी धीरे धीरे भाग रहे हो भाई, फालतू टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी जल्दी जल्दी। फ्लोर नंबर 51, शायद से फ्लोर नंबर 53 टॉप फ्लोर है, पता नहीं यार क्या ही होने वाला है। वहीं पर जाकर हमें सारा का सारा डेटा इरेज करना है, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। लेट्स गो। ओ भाई यही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं रखा है। ब्लास्ट तो फ्लोर नंबर 49 पे हुआ था, बट धुआं ऊपर बहुत ज़्यादा आ गया है। लेट्स गो, ये रहा पूरा का पूरा मेन हॉल, और अभी मुझे शायद से सामने वाला गेट जाके ना सबसे पहले तो ओपन करना है। ओके गाइस, तो अभी ना मुझे कम्युनिकेशंस वाले में सिस्टी की बॉम्ब को लगाना है और यहाँ से थोड़ा बहुत दूर आने के बाद इसको ब्लास्ट कर देना है। गेट टूट चुका है, अब फटाफट से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं। यही है इनका डेटा रूम, कंप्यूटर्स वगैरह भी ब्लास्ट हो गए हैं। मुझे मालूम था फुल सिक्योरिटी के साथ इन्होंने अपना काम करा होगा। लेट्स गो, अपनी जो ड्राइव है वो मुझे मिल चुकी है, अंदर थोड़े बहुत और बॉम्ब डालते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मैंने अंदर की तरफ में कुछ और बॉम्ब्स भी लगा दिए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा और मैंने ब्लास्ट कर दिया है, लेकिन अभी ना हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये जो बिल्डिंग है हो सकता है ये गिरने वाली है, क्योंकि फ्लोर नंबर 49 पे ब्लास्ट हुआ है, वहाँ के सारे पिलर्स कमजोर हो गए होंगे, नीचे की तो टिकी रहेगी बट हो सकता है कि ऊपर की बिल्डिंग जो है वो गिर जाए। फटाफट हमें यहाँ से निकलना होगा। भाई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ओ तेरी, स्टेयर्स टूटना स्टार्ट हो गई, अब हम लोग नीचे कैसे जाएंगे? फ्रैंकलिन कहाँ है? ओके, फ्रैंकलिन भी पीछे पीछे आ रहा है। भाई यार अभी हमें क्या करना होगा? वेट, इस टाइम पे यहाँ पर आगे का गेट हमें ओपन करना होगा। लेट्स गो, ओ भाई साहब, ओ भाई, गेट पे जैसी एक्स मारी इतना गंदा अजीब सा आग से निकल कर आई है ना कि दो बंदे तो जहां वहां पीछे जाके गिर गए हैं। अभी फटा, वेट, अपने एक बंदे को बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, मुझे इसे उठाना पड़ेगा। भाई उठ जा, हेलो, ये गया भाई साहब, जैसे गेट खुला पता नहीं कुछ तो आग से आई और अपने साथ का एक बंदा मारा जा चुका है। हमें जल्दी जल्दी मतलब एकदम भी तेज नहीं भागना, आराम से ध्यान से संभाल संभाल के आगे बढ़ना होगा। हल्की फुल्की भी गड़बड़ हुई ना तो हम लोग इस बिल्डिंग में दबे रह जाएंगे और मिलने भी नहीं वाले भाई, अभी तो यहाँ पर बिल्डिंग गिरने वाली है और हम लोग भी जाने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। फटाफट फटाफट हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा कुछ भी करके। लेट्स गो, यहाँ से राइट। ओ भाई, तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओ भाई भाई भाई, ये क्या हुआ था? अंदर की तरफ में कुछ तो ब्लास्ट हो जिससे कुछ सुनाई देना बंद हो गया। मैंने अपनी गन्स बाहर निकाल ली है, आराम आराम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ओ भाई, यहाँ पर तो एफआईबी एजेंट्स अभी भी हमें मारने के लिए आ रहे हैं। भाई यहाँ पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो रही है, ये नहीं कि इन्हें यहाँ से भागना चाहिए। अरे कहाँ पे है भाई साहब? अंदर से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, एक ही बैठा गंजा, निकल तेरी ऐसी की तरह से, तू भी निकल। दो लोग थे, दोनों को मैंने मार डाला है, ये शायद से जिंदा है इनमें से कोई एक, कि पता नहीं मर गया। भाई साहब बिल्डिंग ब्लास्ट होने को आ रही है लेकिन इनको अभी भी एजेंट्स भेज के हमें मारने की पड़ी हुई है। वैसे हाँ यार, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग चुरा रहे हैं, पर यार लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी कुछ है। मैं अपना घर जाऊँ ना यार, कहाँ आ रहे हो मेरे से लड़ने? शायद ये वाला गेट खुल जाना चाहिए। ओके, तो भी हमें इस वाले गेट को खोल के यहाँ से आगे निकलना है।
अपने जो बाकी क्रू मेंबर्स हैं वो लोग पता नहीं यार कहाँ पे गायब हो चुके हैं। फ्लोर नंबर 51, यहाँ से स्टेयर्स ठीक होनी चाहिए। लेट्स गो, इसको भी मैंने मार दिया। फटाफट फटाफट अभी मैं यहाँ से नीचे चलना होगा। ये वाला गेट ओपन करते हैं। ये वाले फ्लोर पर ही हमने ब्लास्ट करा था कि नीचे? हाँ यही था शायद से। जो धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। भाई यार पूरी की पूरी बिल्डिंग में ऐसी गजब की आग लगी हुई है ना कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कहाँ से जाना है किधर को जाना है। ओ वेट, ये रे सबके सब लोग। ऑल राइट अभी मैं बिल्कुल सेफली यहाँ तक आ चुका हूँ। अब फटाफट हम लोग यहाँ से ना ऊपर चढ़ जाते हैं। लेट्स गो, अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। बट अभी हमें करना क्या है मुझे ये नहीं समझ आ रहा भाई। ये लोग तो डायरेक्टली जंप मार के नीचे जा रहे हैं बिना डरे। मैं अभी आ जाता हूँ जंप मार के। एलिवेटर शॉफ्ट, ओ नाइस। जो गाइस लिफ्ट का रास्ता होता है ना, अभी हम लोग शायद उस रास्ते से नीचे जाने वाले हैं। बट कैसे? लिफ्ट तो काम ही नहीं कर रही होगी ना अभी। पता नहीं यार क्या ही होने वाला है। एलिवेटर शॉफ्ट पर मैं आ तो चुका हूँ सबको लेकर। अभी गेट, वो लिफ्ट का जो गेट था वो हमने खोल दिया। यहाँ पर एक रस्सी लगाई और अभी सबके सब जंप मार के हम लोग नीचे जाने वाले हैं। अमेजिंग। जल्दी 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 भाई, सबके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। ओ भाई अभी हमें फटाफट से ना यहाँ से सीधा नीचे आना पड़ेगा। पर ऊपर से भी देख रहे हो कैसे आग गिर रही है पूरी तरह। ओए ऊपर से एक पत्थर आ रहा है। ये पत्थर मेरे ऊपर नहीं। ओ भाई मुझे फटाफट से ना नीचे निकलना होगा, क्योंकि अगर पत्थर अपने ऊपर आकर गिर गया ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है। मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, मेरे ऊपर नहीं। पहुँच गए। फटाफट नीचे निकलना होगा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊँची बिल्डिंग है, नीचे जाने में भी टाइम लगेगा। एक पत्थर और आ रहा, बच गए। ये तो सिर पे। ओ, 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 वेट। फाइनली गाइस हम लोग नीचे आ चुके हैं। वो तो सही है कि लास्ट वाला जो बड़ा सा एक ब्रिक्स आया था उससे हम लोग बच गए, वरना तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती सही में। फिलहाल ये एकदम प्रॉपर एग्जिट है। इसके बाद शायद से इस स्टेयर्स का रास्ता जो कि हमें ऊपर लेकर जाएगा। हम लोग अभी आई थिंक बेसमेंट में आ चुके हैं और ये है फर्स्ट फ्लोर। लेट्स गो, फटाफट अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। और बाहर अभी रियल फायर वर्क, वेट, बाहर पूरी पुलिस वगैरह सबको ही आ चुके हैं। एम्बुलेंस आ गई है। बट अमेजिंग। ओ वेट, मार कर भाई, निकलो। अभी पता नहीं यार लोग को मारा क्यों गया, बट हाँ ठीक है, सही है, मार दिया। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। लेट्स गो। भाई क्या ही चुपचाप से हमने अपना काम कर दिया है। पुलिस को बिल्कुल भी हमारे ऊपर शक नहीं होने वाला। उन्हें लगेगा कि भाई फायर वर्कर्स आए, उनसे आग नहीं बुझी, इसलिए भी वो यहाँ से निकल गए। बट अभी आगे चल के ना हमें अपनी गाड़ी वगैरह बदलनी होगी, क्योंकि ये जो फायर ट्रक है ये भी शायद से फ्रैंकलिन वगैरह चुरा के लाए हैं। तो सीधी सी बात है, इसकी लोकेशन ट्रेस करी जा सकती है, इसमें जीपीएस हो सकता है, तो गाड़ी चेंज होगी तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके गाइस, तो फटाफट हम लोग अपने फायर ट्रक को यहाँ से राइट मोड़ते हैं। फाइनली हम लोग थोड़ी बहुत सेफ जगह पर आ चुके हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं हमेशा भाई यहीं पर चला आता हूँ, क्योंकि ये जगह सच्ची में बहुत ज़्यादा सेफ है। लेट्स गो। फिलहाल अभी हम लोग अपने ट्रक से बाहर आ चुके हैं, अभी चलकर हमें इस गाड़ी में बैठना है। बट हाँ, उससे पहले एक ये काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो ट्रक है इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो यहाँ पर मैं एक आध बॉम्ब लगा लेता हूँ। जल्दी से चलकर इस गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अपना सारा काम हो गया, सारे प्रूफ हमने मिटा दिए हैं। चल भाई फ्रैंकलिन, जल्दी से गाड़ी में बैठ। लेट्स गो, 3, 2, 1। और ये कर दिया हमने ट्रक को ब्लास्ट। अभी हमें चलना है सीधा लेस्टर के पास, उससे बात करनी है और उसे बताना है कि सारा का सारा काम हो चुका है। भाई साहब मानना पड़ेगा कि आज तो अपनी किस्मत ने भी अपना पूरा साथ दिया है। मतलब कि पहले हमें इंजेक्शन लेके आना था लेस्टर के लिए, वो भी हम लोग लेकर आ गए। मतलब इजीली तो नहीं ला पाए, बट हाँ फिर भी उस इंजेक्शन को लाने में हम लोग पास रहे और उस इंजेक्शन से लेस्टर ठीक भी हो गया। लेस्टर ने जो हमारे लिए प्लान बनाया उस प्लान से हम लोग भी सेफ हो गए, लेस्टर भी ठीक हो चुका है। बट अब बस प्रॉब्लम यह है कि हमें ट्रेवर को बचा के लाना है। ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यार देखो अंडर वाटर माफिया तो हमारे पास है, बट स्टिल ट्रेवर की जान खतरे में है जब तक वो एल रूबी और डगन बॉस के पास है। कहीं वो अपना गुस्सा उतारने के लिए अंडर वाटर माफिया को भूल के ट्रेवर को मार ना डालें। इसलिए हमें कुछ भी करके ट्रेवर को तो बचाना ही है। बट अच्छी बात तो यह है कि हम लोग एकदम सेफ हो चुके हैं। और आज पता नहीं कैसा अजीब सा मौसम हो रहा है, धुंध हो रही है भाई चारों तरफ, दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो चलो गाइज, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1.5 मिलियन लाइक के लिए,
तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और मुझे ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का वाला वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो पर ना एक कमेंट का भी एम करते हैं, 5 लाख कमेंट। मुझे नहीं पता है कंप्लीट होने वाले हैं फिर नहीं, अपना बस एक प्यारा सा फीडबैक दे देना, अच्छी लगी हो तो अच्छा फीडबैक, बुरी लगी हो तो बुरा फीडबैक, बट हाँ कमेंट जरूर करना। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। तो चलो यार, आज के वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।